नमस्कार दोस्तों, फिल्मी दुनिया की कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेकर हाजिर हो गया हूँ। वीडियो छोटा होने वाला है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग एक वीडियो बनने वाला है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है एंड तक इस वीडियो के अंदर जरूर बने रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वेलकम टू मूवी डायरी, मैं हूं शुभेंदु। तो फिर ज़्यादा देर ना करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे मिर्ज़ापुर द फिल्म के बारे में। जी हाँ, मिर्ज़ापुर द फिल्म आ रही है। अभी तक सभी को पता चल गया है, ये आज अनाउंसमेंट कर दिया गया है। कल ही ये कहा गया था कि आज ये अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो इसका जो थीम म्यूज़िक है मिर्ज़ापुर का, ये अपने आप में इतना अच्छा है कि जब भी आप इसको सुनेंगे आपको गूज़बम्प्स महसूस होगा ही होगा। और एक चीज़ अच्छा लगा कि यहाँ जो है ओरिजिनल कास्ट को बरकरार रखा गया, लेकिन शायद यहाँ पर कोई अलग ही कहानी दिखाया जाएगा, उसका कंटिन्यूएशन पार्ट नहीं दिखाया जाएगा। वरना मुन्ना त्रिपाठी को शायद नहीं दिखाता, ले यहाँ पर जो है मुन्ना त्रिपाठी को दिखाया जा रहा है, शायद कहानी कुछ अलग ही लिखा जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, बॉलीवुड की हालत ख़राब है, ये तो सभी को मालूम है बॉलीवुड के अंदर क्या चल रहा है। तो मुझे तो याद नहीं है, क्या आप बता सकते हैं, फरहान अख्तर की जो प्रोडक्शन हाउस है एक्सेल एंटरटेनमेंट, इन्होंने लास्ट एक हिट कब दिया था, ये तो मुझे याद नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सब चीज़ों को देखिए, बीच में एक शोर उठा था कि मिर्ज़ापुर द फिल्म ये बनेगी, तो तब जो है लोग एक्साइटेड हो गए थे। तो शायद ये जो एक मिर्ज़ापुर का जो पॉपुलैरिटी है, इसी को इनकैश करने के लिए शायद ये स्टेप लिया गया है, वरना शायद ऐसा होता नहीं। अगर बॉलीवुड की सिचुएशन ऐसा ना होता तो शायद ऐसा होता नहीं। इसी को इनकैश करने के लिए, इसी गिमिक को इनकैश करने के लिए शायद ये फिल्म जो है इसको अनाउंस किया गया है। अब ये फिल्म आएगी, देखते हैं आगे चल के क्या होता है। 2026 में इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सिंघम अगेन का जो रन टाइम है वो अब सामने आ चुका है, 2 घंटे 24 मिनट का रन टाइम है और इसको मिला है UA सर्टिफिकेट। लव एंड वॉर का जो है शूटिंग स्टार्ट किया जा रहा है। जी हाँ, लव एंड वॉर का शूटिंग स्टार्ट हो रहा है नवंबर से, और पहले जो है रणबीर कपूर से शूटिंग स्टार्ट किया जाएगा। 7 नवंबर से शूटिंग स्टार्ट होने वाला है और 7 नवंबर को रणबीर कपूर ज्वाइन करेंगे। फिर विकी कौशल जो है वो 20 नवंबर से ज्वाइन करेंगे, और आलिया भट्ट वो जो है अल्फा का भी शूटिंग चल रहा है, अल्फा का शूटिंग ख़त्म करके दिसंबर से वो इस फिल्म के अंदर जुड़े जाएंगे, इस फिल्म के अंदर शूट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले शूटिंग ख़त्म करेंगे रणबीर कपूर जुलाई या अगस्त में। टोटल जो है सभी आर्टिस्ट ने 200 दिन का एक शूटिंग शेड्यूल अलॉट किया है। रणबीर कपूर जुलाई 2025 तक इसका जो शूटिंग है वो रैप अप कर देंगे, उसके बाद वो सीधा स्टार्ट करेंगे, मतलब तुरंत बाद ही स्टार्ट करेंगे रामायण पार्ट 2 का शूटिंग। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही एक न्यूज़ आया था कि 2 नवंबर यानी शाहरुख खान के बर्थडे के दिन किंग मूवी से कुछ अनाउंसमेंट आ सकता है, लेकिन खबर यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है, कोई भी अनाउंसमेंट उस दिन को नहीं आएगी। लेकिन हाँ, एक बड़ा अनाउंसमेंट ज़रूर आएगी, लेकिन उस दिन को नहीं आएगी। तो यही था आज का अपडेट। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए। थैंक यू। जय सिनेमा।